वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके साथ 11th क्लास की अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 12। वीडियो नंबर 5 से लेके वीडियो नंबर 11 तक हम काफ़ी सारी बेसिक टर्म सीख चुके हैं, तो अभी हमारा वक्त होता है छोटी छोटी बातों को और जान लेने का। वो टर्म जो हो सकता है कि आपको आगे अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा परेशान ना करें, पर फिर भी हमको इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स ये वर्ड क्या है। ट्रांजेक्शन्स को मैं हिंदी में बोलूंगा लेन देन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक आप दुकानदार के पास गए, आपने उसको 100 रुपए का नोट दिया, उसने आपको बिस्किट्स का एक पैकेट दिया 100 रुपीज का ही। ये एक ट्रांजेक्शन हुई, ये एक लेन देन हुआ। लेन देन हुआ, आपने उसको 100 रुपए दिए और उसने आपको बिस्किट का पैकेट दिया बड़े वाला, तो दैट इज द ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, थोड़ा डीपली नॉलेज के बारे में जान लेते हैं कि बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो बिजनेस के बाहर होती हैं, बिजनेस के साथ होती हैं, पर उसके अंदर कम से कम दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। मान लो बिजनेस ने किसी बाहर की पार्टी को कुछ माल सेल किया, कुछ हमने सेल किया, तो एक ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। या ये कह सकते हैं कि मान लो हमने किसी से परचेज की, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मानी जाती है। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या हुई? इंटरनल ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी मशीन की रिपेयर करवाई, फैक्ट्री के अंदर की मशीन रिपेयर करवाई, या फैक्ट्री के अंदर की मशीन का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसकी एक एंट्री की, तो वो एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है। फिर बात आती है कि कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है। कैश ट्रांजेक्शन, मान लो जिस ट्रांजेक्शन के बदले आपको कैश का लेन देन करना पड़ता है, दैट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। मैंने किसी को सेल की, उसने मुझे पैसा दिया, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर कैश नहीं मिलता है। मान लो मैंने किसी को सेल की और उसने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे ये बोला कि 2 महीने के बाद पैसा देगा, दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बात आती है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट एक ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है। जैसे आप दुकानदार के पास गए, आपने 100 रुपए दिए और उससे आप क्या लेकर आए, कोई बिस्किट का पैकेट लेकर आए, तो ये इवेंट क्या हुआ, 100 रुपीज उसके बिजनेस में इफेक्ट हुए हैं। उसके बिजनेस में दो इवेंट हो गए हैं। कैसे? एक तो उसके पास से गुड्स चली गई हैं और दूसरा इवेंट कौन सा हैपन हुआ, उसके गले में, उसके पॉकेट में 100 रुपीज आ गए हैं। ये इवेंट का एक हैपन होना बोलते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे पास 4 लाख रुपए का गोडाउन के अंदर गुड्स पड़ा था, माल पड़ा हुआ था। मान लो उसमें से मैं 1 लाख रुपए का किसी को सेल कर देता हूं, तो मेरे पास दो इवेंट हुए। पहली तो बात, पहला इवेंट तो 1 लाख रुपए की सेल की, दूसरा इवेंट की गोडाउन के अंदर अभी 3 लाख रुपए का मेरे पास माल, गुड्स अभी भी मेरे पास रखी हुई है। फिर तीसरी बात आती है कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन द समराइज्ड फॉर्म। एक लेजर का रिकॉर्ड है जिसको हमें समराइज्ड फॉर्म में बनाना होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये टी शेप के अंदर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं DR. क्रेडिट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं CR. डेबिट की फुल फॉर्म है DEBIT, क्रेडिट की फुल फॉर्म है CREDIT, और अकाउंट की फुल फॉर्म है ACCOUNT। अकाउंट को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं। नाउ व्हाट आर द डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमारे अकाउंट्स में काम करने का एक स्टाइल है। क्या स्टाइल है, कि डेबिट को हमको लेफ्ट साइड में लिखना है और क्रेडिट को हमको राइट साइड में लिखना है। बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है, वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको क्लियरली एक बात बोली है। दिन में देखो बहुत सारी हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है। हो सकता है कि मैंने 10 बार परचेज किया हो, 10 बार सेल भी की हो, 5 बार मेरे पास कहीं से पैसा आया हो, तो मेरे को क्या करना होता है, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर एक ही हेड के अंडर में लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। स्कूल का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो स्कूल में मान लो आपके पास एक टीचर ने 5 दिन लगातार आपको इंग्लिश का काम करवाया, आप सारा काम कहां पे करते हो, रफ कॉपी में नोट करते रहते हो। इंग्लिश का टीचर आया, इंग्लिश का काम करवाया।
हिंदी का टीचर आया, हिंदी का काम कराया, अकाउंट्स का टीचर आया, उसने भी काम कराया, बिजनेस का टीचर आया, उसने भी काम करवाया। नेक्स्ट डे भी फिर क्या हुआ, बिजनेस स्टडीज का काम, अकाउंट्स का काम, इंग्लिश का काम, मैथमेटिक्स का काम। तो आप घर पे जाके क्या करते हो, एक फेयर नोटबुक बनाते हो। उस फेयर नोटबुक के अंदर क्या होता है, इंग्लिश का काम सिर्फ उसी एक नोटबुक के अंदर, सिर्फ इंग्लिश की नोटबुक में। अकाउंट का काम रफ नोटबुक में से अलग अलग जगह से आप ढूंढोगे, कहां पे लिखोगे, सिर्फ अकाउंट की नोटबुक के अंदर। मतलब आपने अकाउंट की नोटबुक एक प्रॉपरली अलग रखी हुई है, जिसमें आप सिर्फ अकाउंट का ही काम करते हो। वैसे ही बिजनेस में भी हमको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन से लेकर, एक स्पेसिफिक थिंग्स को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, व्यक्ति को लेकर हमको जो एक एंट्रीज करनी होती हैं, अकाउंट जो हमको मेंटेन करने होते हैं वो अलग अलग मेंटेन करने होते हैं। परचेज करने का हमारा अलग से एक अकाउंट होता है, सेल करने का हमारा अलग से अकाउंट होता है, राम का अकाउंट अलग बनेगा, शाम से जितनी ट्रांजेक्शन करेंगे वो शाम वाले अकाउंट में आ जाएंगी। डेबिट और क्रेडिट हमारा काम करने का अकाउंट्स के अंदर एक स्टाइल है। फिर बात आती है कि एंट्री क्या होती है। जब भी कोई इवेंट हैपन होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, राम मेरे से 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज करके गया, तो राम को मैंने सेल की है, कितने की सेल की, 5 लाख की। तो ये एक देखा जाए इसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री कहां पे होगी, अकाउंट में जाके करूंगा। राम का अकाउंट मैं अलग से खोलूंगा और एक सेल का अकाउंट अलग से खोलूंगा। अगर राम मुझे पैसा नकद देके गया है तो उसकी एंट्री मेरे को कैश अकाउंट में करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए आया। अगर राम मेरे को पैसा नकद नहीं देके जाता है तो मुझे राम के नेम से अलग से एक एंट्री करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि राम को मैंने 1 लाख रुपए की सेल की है। मतलब बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, एक इवेंट हैपन होता है, फिर उसकी हमको एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री जहां पर हम करते हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं। देखो चारों चीजों को मैं अभी एक साथ कंबाइन कर रहा हूं। कोई ट्रांजेक्शन हुई, राम से मेरा लेन देन हुआ, लेन देन से मैंने ये देखा कि क्या इवेंट हैपन हुआ, 5 लाख रुपए का इफेक्ट इवेंट एक हैपन हुआ, उसकी मुझे एंट्री करनी है। कहां पे एंट्री करनी है, अकाउंट के अंदर एंट्री करनी है। ये चारों के चारों बातें आई थी, आप लोगों को अभी समझ में आ गई होंगी। फिर बात आती है कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी, एंटिटी एक बिजनेस यूनिट होती है। बिजनेस यूनिट कह लीजिए, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जिसका निर्माण, जिसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि आपको इनकम अर्न करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कंपनी खोली, मैं क्या कमाना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, वो एक बिजनेस है। पर उस बिजनेस को हम सिंपल सी बात एक एंटिटी कह सकते हैं। पार्टनरशिप हमने फर्म बनाई, किस लिए बनाई, क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म अपने आप में क्या है, एंटिटी है। कंपनी बनाई, किस लिए बनाई, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई, तो कंपनी क्या है अपनी नजरों में, एक एंटिटी है, एक यूनिट है। तो एक बिजनेस यूनिट फॉर्म्ड फॉर द अर्निंग, अर्निंग इनकम। अब बात आती है कि बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है कि मान लो मैंने किसी पर्सन से 5 लाख रुपए लेने थे, वो पर्सन 5 लाख रुपए देने से मुझे मना कर जाता है, तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा कि वो पैसा मेरा डूब चुका है, तो उसको मैं मानता हूं बैड डेट्स। ऐसा समझना है कि वो पैसा हमारा डूब गया, तो उसकी हमको अपने अकाउंट्स के अंदर अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर अलग से एक एंट्री डालनी पड़ती कि ये पैसा मेरा डूब चुका है। मान लो किसी पर्सन से, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लेने थे, 40% उसने मुझे दे दिया, 10 लाख मान लो मैंने किसी से लेने हैं, 40% उसने दे दिया मुझे, 4 लाख दे दिया, 6 लाख उसने नहीं दिया, तो जितना पैसा वो देने से मना कर गया है, या काफी टाइम से मैं उससे मांग रहा हूं पैसा नहीं मिल रहा है मुझे, तो उस 6 लाख रुपए को जो मुझे नहीं मिला है उसको मैं क्या मानूंगा, बैड डेट्स कहते हैं उसको। डूबत ऋण मतलब मेरा पैसा डूब गया, दैट इज बैड डेट्स। फिर बात आती है इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट मान लो कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है, अब उसके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। बैड डेट्स और इंस्टॉलमेंट के अंदर फर्क होता है। बैड डेट्स में तो क्या होता है कि मान लो वो पर्सन हमको, मान लो वैसे ही पैसा देने से मना कर गया हो, हमको बैड डेट्स के अंदर डालना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, कोर्ट उस पर्सन को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देता है कि इस पर्सन के पास पैसा देने के लिए है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी बिक चुकी होती है, फिर भी वो किसी को पैसा नहीं दे पाता है,
तो जो पर्सन बिल्कुल दिवालिया हो गया है, पैसे देने की हालात में ही नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। फिर बात आती है कि सॉल्वेंट कौन होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन पैसा हमको दे सकता है, पैसे देने की हालात में है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। बात आती है अभी स्टोर्स क्या है, STORES। स्टोर्स, स्टोर्स एक ऐसी जगह पे होती है जहां पर हम मेटीरियल्स को रखते हैं। वो मेटीरियल जो बिजनेस में काम आने वाला है, परंतु वो मेटीरियल कभी भी हम सेल करने के लिए नहीं लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टोर्स के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल रखा हुआ है, या लगा लो कि ग्रीस रखी हुई है, या लगा लो कोई ऐसा तेल रखा हुआ है जो मशीन के अंदर काम आता है। तो वो जो मैं तेल लेकर आया, जो मैं ग्रीस लेकर आया, जो मैं छोटे छोटे टूल्स लेकर आया बिजनेस में यूज करने के लिए, पर वो मैंने खरीदा किस लिए था, क्योंकि मेरे को दोबारा बेचना तो है ही नहीं। किस में काम आएगा? वो सब मशीनरी में काम आएगा, और अच्छे से उसको मैं मशीनों को अच्छे से यूज कर पाऊंगा। ये स्टोर्स मतलब मेटेरियल रखा होता है, यहाँ पर बिजनेस में यूज होता है, दोबारा बेचने के लिए नहीं होता। जहां पर ये सारा चीजें रखी होती हैं उसको हम बोलते हैं स्टोर्स। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।